यदि वसुंधरा जी अच्छी होती तो आज विकास कार्य राजस्थान में भी चरम सीमा पे होता। बयान जरा एक बार फिर सुन लीजिए। यदि वसुंधरा जी अच्छी होती तो आज विकास कार्य राजस्थान में भी चरम सीमा पे होता। आपको लग रहा होगा ये कोई विपक्षी नेता की नेता होंगी जो विधानसभा में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अब ये हैं कौन, खुद इनके ही मुख से सुन लीजिए। भाजपा की पार्षद हूँ। जी हाँ, ये है भाजपा की पार्षद जितेंद्र कौर। अब जरा कौर जी का ये पूरा बयान सुन लीजिए। भाजपा की पार्षद हूँ, मैंने मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मोदी जी हमेशा अच्छे कार्य कर रहे हैं। यदि वसुंधरा जी अच्छी होती तो आज विकास कार्य राजस्थान में भी चरम सीमा पे होता। वसुंधरा जी की हार का कारण है भ्रष्टाचार। राजस्थान में बीजेपी की हार का कारण है भ्रष्टाचार। तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मैं शुरू से हूँ और आज भी हूँ, आगे भी हूँ। बीजेपी भ्रष्टाचार किया नहीं, अब विकास करेगी। मोदी जी के स्वाद में आया है कि हाँ बीजेपी में प्रॉब्लम हुई है, तो आगे किसी अच्छे कैंडिडेट को बनाएंगे तो शायद बीजेपी भी अच्छे काम करेगी। जितेंद्र कौर भरतपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 36 से पार्षद हैं। भरतपुर नगर निगम के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में बोर्ड की ओर से अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पार्षद कौर ने एक कविता कही और कविता के साथ ही सदन में शुरू हो गया हंगामा। हंगामे के चलते मेयर ने पार्षद कौर के सामने माफी मांगने या फिर बैठक से निकल जाने को कहा, तो पार्षद महोदया ने माफी मांगने के बजाय निकलना ही बेहतर समझा। बाहर निकलकर कौर ने पहले तो बैठक में हुए बवाल पर अपनी सफाई दी। सफाई के साथ ही कौर ने विधानसभा 2018 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सत्ता से सफाई पर भी बोल दिया। दरअसल 2013 में राजस्थान में लहर की तरह उभरी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 200 में से 163 सीटें जीती थी, मगर 2018 के चुनाव में वसुंधरा का जादू नहीं चल पाया और बीजेपी 73 सीटों पर ही सिमट के रह गई। वहीं लोकसभा में बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम रखा और 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने 25-0 से क्लीन स्वीप किया। विधानसभा चुनाव के दौरान अक्सर एक कहावत सुनने को मिलती है, मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। अब जिस तरह से पार्षद जितेंद्र कौर ने अपना पक्ष रखा है, उससे तो यही लगता है कि इस कहावत से जनता ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता भी सहमत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।